हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी क्लासेस। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आ गए हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट। क्या DVC एग्जाम अपडेट के बारे में? क्या दामोदर वैली कॉरपोरेशन एग्जाम अपडेट, जो कि अभी हाल ही में फॉर्म भरा रहा है, अभी तक लास्ट डेट भी नहीं हुआ। कब है इसका लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट कब तक है एप्लीकेशन का? 26/5/2023 का। तो जो लोग ने भी एप्लीकेशन को नहीं फॉर्म फी किया अभी तक, फॉर्म को भर दीजिए जल्दी से जल्दी। 26 मई तक इसका लास्ट डेट है। और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, सिलेबस भी आ चुका है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी था, डिप्लोमा वालों के लिए DVC JEE 2023 रिक्रूटमेंट, जैसा कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, 5-10 दिन पहले ही यह नोटिफिकेशन आया था। और इसका आज एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड डेट होगा। कब होगा? 10 जून 2023 को, जो कि आज से 20 दिन आपका बचा है समय। तो कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, हम लोग इस वीडियो में पूरी प्रोसेस देखेंगे। यह जो है न्यूज ऑफिशियल अपडेट है, तो हम लोग चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ पे आपको डिस्कस करके बताते हैं। साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, यह फॉर्म क्या सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और IT सिस्टम कंप्यूटर वालों के लिए वैकेंसी थी, कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो जो फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, वो ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें, यह आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और आपको पूरी बात बताते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, अप्लाई लिंक पर क्लिक कीजिए आप लोग, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, रिक्रूटमेंट नोटिस। तो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपका अप्लाई होगा। जो नहीं अप्लाई किया वो अप्लाई कर दीजिएगा। और हम लोग अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर Grade 2। यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करते हैं हम लोग, एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे इस PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो देख लीजिए, दामोदर घाटी निगम मानव संसाधन निगम जो कि PSU है, DVC टावर VIP रोड कोलकाता। यहाँ पर देख लीजिए इसका रिक्रूटमेंट नंबर PLR JEE 2023। और एक बात आओ, जब आप लोग फॉर्म के अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर पेमेंट फी में थोड़ा प्रॉब्लम आता, तो जिनको भी प्रॉब्लम हो पेमेंट फी में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पेमेंट फी से रिलेटेड कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे नहीं फॉर्म भरे हैं, ओनली अभी 1500 ही फॉर्म को अप्लाई किया गया है। तो जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं आपका एग्ज़ाम डेट के। यहाँ पर जैसे आते हैं आप लोग देखें नीचे, द टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, बोल्ड भी 10/6/2023 यानी 10 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। और एक और एग्ज़ाम कब होगा? 11 जून, जिसका मैंने इलेक्ट्रिकल का 10 जून का और मैकेनिकल सिविल वाले का 11 जून का एग्ज़ाम आपका होगा। CBT विल बी होस्टेड इन DVC वेबसाइट। तो इसका एडमिट कार्ड आपका 1 तारीख को आ जाएगा, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 26 तक इसको फॉर्म को अप्लाई करिए, फॉर्म को अप्लाई करने के 4 दिन बाद ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, जो जो तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। इसका सिलेबस आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिकेटिंग सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिस्पेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर Grade 2। यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस, इसको ओपन करेंगे हम लोग, यह सिलेबस हम लोग टेलीग्राम चैनल में डालेंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। इस सभी ब्रांचों का इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड वेरियस डिसिप्लिन साइलेंट पॉइंट पैटर्न क्या होगा आपका, वह देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल या इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा। बेसिक नॉलेज और एक क्वेश्चन में कितना 4 ऑप्शन होंगे, और आप करेक्ट करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर 2 घंटा का यह क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल नॉलेज जो आप रिलेवेंट टेस्ट सिविल से, तो सिविल वालों के लिए पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, 30 नंबर आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 70 नंबर का टेक्निकल से आपका रहेगा। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते तो 1 मार्क मिलेगा द पेपर एंड बुल्ड भी 100। अगर आप निगेटिव मार्किंग कितना 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न में 0.25 आपका सही में से काट लिया जाएगा। अब देख लेते हैं सिलेबस,
सिलेबस फॉर जनरल एप्टीट्यूड, तो ये 30 नंबर का जो आपका एप्टीट्यूड होगा जी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी का सेम रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका पूछा जाएगा, PDF से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछेगा 10 नंबर का, और 10 नंबर का इंग्लिश पूछेगा। तीनों चीज़ क्लियर यहाँ पे आप लोगों को हो जाए। इसमें मैथ नहीं पूछेगा, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस GK GS और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो GK GS के लिए हम लोग एक वीडियो लाएंगे, वहीं से आपका क्लियर सारा चीज़ करा देंगे, 1.5 घंटा का होगा। सिलेबस फॉर टेक्निकल नॉलेज मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ सर देख सकते हैं सिलेबस क्या, फंडामेंटल एंड बेसिक्स मैकेनिकल ड्राइंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस, मैनुफैक्चरिंग साइड। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिलेबस क्या होगा 70 नंबर के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन अंडर पावर हाउसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम, यहाँ तक आपका है। अब देखिए सिलेबस फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे हैं। और नीचे आते हैं तो कुछ पद सिविल वालों के लिए देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज और डिफरेंट मतलब कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जो भी ब्रांच से रिलेटेड आप लोग हों तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, वहाँ पर हम PDF को भेज देंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो यही बहुत बड़ी अपडेट आपको देनी थी, अपडेट तो छोटी सी है लेकिन आप नहीं जानते तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते। तो 20 दिन पहले हम बता दें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, 10 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।